एक बार दैत्यों के राजा विरोचन, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और देवताओं के राजा इंद्र, दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें आप आत्मा का उपदेश करिए। तो कहा कि ठीक है, जाओ उस कुएं में झांको, पानी में जो दिख रहा है वही आत्मा है। तो दोनों आए कुएं में, अब ऐसे मुंह लटका करके पानी में देखा तो जो विरोचन था असुर सम्राट, उसने सोचा कि शरीर की ही तो छाया पानी में है, इसका मतलब शरीर ही आत्मा है, तो किसी भी प्रकार से शरीर नष्ट ना होने पावे इसी का पोषण करो। तो शरीर को सुख देने में, शरीर को बढ़ाने में और दीर्घायु रखने में, अमर करने में लग गया। परंतु देवताओं के राजा जो इंद्र थे, इंद्र ने सोचा कि ये शरीर की छाया है और ब्रह्मा जी ने कहा है जो दिख रहा वही आत्मा है। शरीर तो आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अविनाशी होता है। शरीर नश्वर है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, प्रतिपल नष्ट हो रहा। कोई एक दिन में जवान हुआ, कोई एक दिन में बूढ़ा हुआ, कोई एक दिन में मरा क्या? नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है, हर क्षण शरीर दूसरा है। साहब, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, हमारे शास्त्र तो कहता ही है, हर क्षण आदमी बदलता है, उसका शरीर बदलता है, और जो बिल्कुल नहीं बदलता वही है आत्मा। 25 वर्ष पहले जिसे आपने देखा था, आज सौरों के घाट पे मुलाकात हो गई, तो क्या आदमी वही है कि दूसरा है? बताओ जरा। आप कह देंगे स्वयं देवदत्ता, ये तो वही है, 25 साल पहले जिससे बात किए थे वही है कि नहीं? लेकिन जैसा वह उस समय था अब वैसा ही है क्या? बिल्कुल बदला हुआ है शरीर, या तो पहले से बहुत मोटा हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा, या फिर बहुत दुबला पतला हो गया होगा, दाढ़ी या तो बढ़ गई होगी या बिल्कुल खत्म कर दिया होगा उसने, केश भी बदले होंगे, स्वरूप बदला होगा, स्वभाव बदला होगा, भाषा बदली होगी, परिभाषा बदली होगी, वेशभूषा बदली होगी, तो कैसे कह सकते हैं कि वही है जिससे आप 25 साल पहले मिले? क्योंकि जिसे हमने जाना था उस आत्मा को, वो आत्मा आज भी वही है, और आने वाले 50 साल के बाद भी मिलेंगे तो वही मिलेगा। नहीं तो शरीर तो हर क्षण बदल रहा है। क्यों साहब? हमारे न्याय शास्त्र में आता है इंद्रिय आत्मा है, कुछ लोगों ने पूर्व पक्ष रखा कि इंद्रिय ही आत्मा है। क्या सही कहा? बचपन से वृद्धावस्था तक तो वही इंद्रिय है, तो इंद्रिय को ही आत्मा मान लो। मानेंगे नहीं साहब? क्यों? क्योंकि सोचो, हमने इन आंख से आपको देखा, भगवान ना करे 2 साल 4 साल 10 साल के बाद मेरी आंखें फूट जाए, तो क्या मैं आपको नहीं पहचानूंगा? पहचानूंगा ना कि आप ही माहिरी जी हो, पहचान लेंगे ना? क्यों? यदि हम इंद्रिय हैं तो इंद्रिय तो नष्ट हो गई, तो नहीं पहचानना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पहचानते हैं, क्योंकि पहचानने वाली आंख नहीं है, कोई और है। 10 साल पहले हम कोई फल या कोई मिठाई खाए थे, आज भी स्वाद याद है, इसका मतलब स्वाद लेने वाला कोई और है, वही आत्मा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।